नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम एक साथ कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं एक्सपायरी से पहले तो क्या होगा, हमारे पैसे ट्रिपल होंगे या फिर हमको लॉस होगा। तो देखो, आज जो है एक्सपायरी नहीं है, आज है बुधवार, तो आज हम कॉल और पुट बाय करने वाले हैं। 2:41 अभी हो रहा है, कल फेड की मीटिंग है, तो फेड का जो आउटकम आएगा वो अमेरिका के जो इंडेक्स हैं उन पर इम्पेक्ट कर सकता है, या हो सकता है कि वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और कोई ज़्यादा बड़ा मूव ना हो। देखो, अगर पॉजिटिव साइड मूव मतलब फेड की जो मीटिंग है वो पॉजिटिव होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो मूव आएगा, तो उसके चलते हम गैप अप गैप डाउन खुल सकते हैं, स्मॉल भी खुल सकते हैं, फ्लैट भी खुल सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक कॉल और एक पुट को यहाँ पर बाय करने वाले हैं 2:42 पर। तो 2:42 पर हम यहाँ पर कॉल और पुट बाय करने वाले हैं, 25-25 रुपये का प्रीमियम हम लेंगे। अब देखो, आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि अभी आप क्यों ले रहे हो, अभी अगर आप ले लोगे तो वो प्रीमियम डीके हो जाएगा। डेफिनेटली डीके हो सकता है, बट एक साइड मूव शार्प मूव आ सकता है कल, ठीक है, एक साइड मूव जो है एक शार्प मूव आ सकता है। अगर नहीं आता है तो हम वेट करेंगे और उसको एग्जिट नहीं करेंगे हम, तो हमारा जो प्रॉफिट हमको होना चाहिए वो हम 1 बजे तक देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके चलते हम यहाँ पर 25 रुपये वाला प्रीमियम यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने पैसे नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो प्रॉफिट के पैसे हैं 3394 या आप उसको 3400 रुपये बोल सकते हो, चार्जेस 300 हटा दो तो 3000 का प्रॉफिट अपने को है। तो इस 3000 में से हम 25 रुपये वाला प्रीमियम ये वाला लेंगे। कौन सा प्रीमियम ये है, निफ्टी का 18800 का प्रीमियम है, ठीक है, और हम इसको होल्ड करके रखेंगे तो 1286 रुपये अपने लगेंगे। अपन इसको 2485 पर ही बाय करेंगे, ज़्यादा रुपये अपने पास है ही नहीं, मतलब ज़्यादा पैसे तो हैं बट अपन ज़्यादा क्यों दें, ठीक है। इसके साथ साथ अपन इसका एक पुट भी बाय कर लेते हैं, 18700 का अपन पुट बाय कर लेते हैं, इसमें अपने पैसे लगेंगे लगभग से 1100 रुपये। चलो इसको भी बाय कर लेते हैं, तो दोनों ही अपन ने अब बाय कर लिए हैं, ठीक है। आज मैंने इंडेक्स में वैसे भी ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने सीधे स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करी, तो स्टॉक्स में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता बट वो एक गलती के चलते हो नहीं पाया है। देखो, मैंने 18 रुपये पर बाय करा था, 18 रुपये 90 पैसे पर, और अभी ये कितना चल रहा है आप यहाँ पर देखो, 23 रुपये पर चल रहा है, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता इसमें, बट मेरी गलती के चक्कर में मैंने इसको एग्जिट कर दिया और 2 ट्रेड ली थी जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अभी हमने हमारा पैसे लगा दिए हैं, अब हमारी कॉस्टिंग कितने की आ गई है वो हम चेक कर सकते हैं। 1150 रुपये इसमें हमारे लगे हैं और 1250 के आसपास इसमें लगे हैं, ठीक है, तो इतने पैसे हमारे लगे हैं। अब हमको वेट कब तक करना पड़ेगा, देखो कॉल और पुट हमने एक साथ ले लिया है निफ्टी 50 में, तो ये कॉल पुट एक साथ लेने से हमको फ़ायदा नुकसान हम देखेंगे, सुबह कितना फ़ायदा नुकसान होता है, फिर हम देखेंगे कि इसको 1 बजे तक होल्ड करके रखेंगे। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों की दोनों जीरो तो नहीं होंगे, या तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग देके, हो सकता है कल निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगा दे, या फिर हो सकता है कि एक बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ आ जाए, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इसके चलते ही हमने इसमें लिया है, अब बैंक निफ्टी का इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज होकर रखा है, तो जिसके चलते हमने उसमें नहीं लिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब एक और चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखो मेरे पास, मैं पिछले 3 से 4 दिन से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रॉफिट कर रहा हूँ। अब लालच में ये हो सकता है कि जो मेरा प्रॉफिट है अगर एक्सपायरी के दिन मैं पूरा कैपिटल लगा दूँ, लालच तो सब में रहता है, देखो ठीक है, मान के चलते हैं लगा देता हूँ मैं, है ना, और मान लो मैं कॉल बाय कर लेता हूँ 20,000 रुपये से, और वो 20,000 रुपये जब मैं कॉल बाय करता हूँ उसके बाद मार्केट एक बड़ा रेड कैंडल बनाती है, तो मेरे को वहाँ हो सकता है दिखे कि 15,000 का लॉस, और उसके बाद वो रिकवर ना भी करके वो धीरे धीरे 17-18 हो सकता है। तो जिसके चलते हमने एक ये देखा है, मतलब ये कर रहे हैं हम कि इस बार जो है एक कॉल और पुट ले लेते हैं 1000-1000 रुपये की, 1200-1200 रुपये की, देखते हैं कि क्या होता है। जीरो होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन प्रॉफिट में है ही सही, ठीक है, और अगर प्रॉफिट होता है तो और अच्छी बात है। तो कई लोग आपसे बोलते हैं कि कॉल पुट लेते हैं, ये होता है वो होता है, आज देखते भी हैं अपन कि क्या होता है, आज नहीं कल पता चलेगा अपने को, और वो मैं आपको कल की वीडियो में ही अपडेट करूँगा। देखो, मुझे किसी साइड तो पैसे डबल चाहिए, ठीक है, डबल से मेरा कुछ होगा नहीं वैसे तो, अगर मिल रहे होंगे तो ले लेंगे, नहीं तो ट्रिपल या 4 गुना मेरा पैसा होना चाहिए, या तो मार्केट 18600 तक जाना चाहिए, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे जो कि होना मुश्किल है, या तो फिर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, ठीक है। अब जो भी होगा वो देखना पड़ेगा, और हो सकता है कि एक बड़ा मूवमेंट गैप अप या फिर गैप डाउन ही हो जाए तो हम जो है हमारा प्रॉफिट उसमें ही बुक कर लें,
हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो बड़ा गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो, अपना प्रीमियम अपने को देखना पड़ेगा क्या होता है। और देखो प्रीमियम डीके होता है, लेकिन इतनी तेज़ी से भी नहीं होगा कि मतलब तुरंत ही, मतलब जो अपन ने 22 रुपये वाला ख़रीद लिया ये 1 रुपये का हो जाए, वो होता है 3 बजे के बाद से आपका प्रीमियम डीके शुरू होता है तेज़ी से, ठीक है। इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर मार्केट यहीं के यहीं भी खुल जाए तो इनके दोनों के प्रीमियम 10-10 रुपये के आसपास खुल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हमने वाई कर लिया है, आप लाइव देख सकते हो। अब क्या होता है वो कल देखना पड़ेगा। कॉल में 35 रुपये का प्रॉफिट है, तो पुट में वहीं 27 रुपये का लॉस भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट लॉस हमको दिखाएगा। अब इसमें स्टॉप लॉस लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, अभी तो नहीं लगाएंगे, 2:47 हो गया, तो अभी ना हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ना कुछ करेंगे। फिर कल क्या होता है, कल ही इंपॉर्टेंट है। देखो फेड की मीटिंग है, तो फेड अगर नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो बढ़िया मार्केट यहाँ का गिरेगा और हम भी एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकते हैं। या फिर फेड पॉजिटिव हो जाए और वहाँ के इंडेक्स मतलब डाउ जोन्स 2-2.5% भाग जाए, तो निफ्टी को भी मजबूरी में खुलना पड़ेगा अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही। तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, किस में हम करेंगे, फिर कॉल में प्रॉफिट बुक, पुट में नहीं करेंगे हम, क्योंकि पुट तो वहाँ से फिर मार्केट अगर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खुलेगा तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा तो बढ़ने की उम्मीद रखेंगे नहीं हम, वो वहाँ से गिर सकता है। और यदि बहुत नीचे खुल जाता है, बहुत नीचे खुल जाता है, तो हम हमारा जो पुट है उसका प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, वो मैं कल की वीडियो में ही आपको बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।